नमस्कार, जय जोहार। का हाल है, मैं आज मैं उनका हाल दिखाने जा रहा हूँ जिन्हें लेकर ये कहा जाता है कि वो प्रदेश की सारी व्यवस्थाओं को ठीक करते हैं। निचले स्तर की जो कार्य प्रणाली है उसकी शुरुआत अगर कहीं से होती है तो वो तहसील होता है। अगर तहसील स्तर के अधिकारी धरने पर आ जाए, आंदोलन पर आ जाए, तो फिर सिस्टम का क्या होगा। आज जरा का हाल है के जरिए इसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों नायब तहसीलदारों को और उनके कनिष्ठ कर्मचारियों को इस तरह से आंदोलन पर मजबूर होना पड़ा है। क्या उनका भी वाकई में हाल बेहाल है? मेरे साथ है इस वक्त, सर आपका नाम बता दीजिए पहले तो। कृष्ण कुमार लहरे। लहरे साहब हैं आप, पदाधिकारी हैं इसमें? मैं ये कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ का प्रांताध्यक्ष हूँ। प्रांताध्यक्ष हैं सर। कनिष्ठ कर्मचारी संघ का हाल का है अभी, पहले तो सबसे पहले सवाल ये है और उसके बाद फिर आगे की बात में। अभी कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का हाल अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सभी जगह कुछ न कुछ घटनाएं हो रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हम लोग असुरक्षित हैं। आप लोगों को क्यों खतरा हो रहा है? रायगढ़ का आपके मीडिया के माध्यम से ही सारे पूरे प्रदेश में अवगत कराया गया है और रायगढ़ की घटना के बारे में आप सब जानते हैं कि रायगढ़ के तहसील के अंदर घुस करके कुछ अधिवक्ताओं के द्वारा हमारे रीडर और मृत और नायब तहसीलदार जो बीज बचाव कर रहे थे उनके साथ भी मारपीट हुई है। इससे ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति न्यायालय के अंदर घुस के मारपीट कर सकता है तो बाहर कुछ भी कर सकता है। इसी तरह अभी हम अवैध उत्खनन के मामले को लेकर भी फील्ड में जा रहे हैं तो छुटपुट घटनाएं वहां भी घट रही है। इससे हमारा जो मांग है उस सुरक्षा के लिए काफ़ी हद तक और सही है, क्योंकि यदि फील्ड में हम असुरक्षित रहेंगे तो भली भांति काम नहीं हो पाएगा। हम चाहते हैं कि शासन की पूरी आदेश निर्देशों के तहत पूर्ण रूप से हम काम करें और हम शासन का अंग है ये मानते हैं। शासन से हमारा विरोध नहीं है, हम शासन के हर आदेश को पालन करते हुए अपना कार्य निष्पादन करेंगे। मुझे खेद है कि हमारे ये हड़ताल से प्रदेश की आम जनता को तकलीफ हो रही है। मैं शासन से आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि जनहित में, लोकहित में हमारी जो जायज मांग है उसे तुरंत स्वीकार कर लें। सर ये बताइए, तहसीलदारों को आप कह रहे हैं कि सुरक्षा जो है उनके पास नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं रहता है सुरक्षा के नाम पे आप लोगों के पास? कुछ भी नहीं है सुरक्षा के नाम पे। तहसील कार्यालय में एक भी गार्ड आज की तारीख में नहीं है, आपको अवगत कराना चाहूंगा। जबकि सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है वो। आपको अवगत कराना चाहूंगा, तहसील परिसर में, तहसील कार्यालय में एक होम गार्ड तक की नियुक्ति नहीं हुई है। ये है ही नहीं, है प्रावधान में ही नहीं है या फिर? प्रावधान बनाया जाता है। बनाया जाता है, ये कलेक्टर के ऊपर रहता होगा। कलेक्टर आप लोग तो मांग करते रहोगे कि ये पहली दफा मांग ऐसी उठ रही है। ये समय समय पे हमने मांग किया है, इसके पहले भी मैंने मांग पत्र भेजा था शासन को। वो हो सकता है शासन स्तर पे विचाराधीन होगा, लेकिन जब ये मारपीट की घटना, निंदनीय घटना घट गई, इसलिए हमको रोड में आना पड़ा। वैसे सर एक सवाल ये बनता है कि खतरा सबसे ज्यादा आप लोगों को किससे रहता है? देखिए, खतरा हमको तो असामाजिक तत्व से होता है और किसी के चेहरे में असामाजिक तत्व लिखा नहीं रहता। वकील असामाजिक तत्व है ऐसा कहा भी नहीं जा सकता? नहीं, सारे वकील नहीं है। वकील लॉ के मुताबिक कोर्ट का ऑफिसर होता है, उनका दायित्व है कि वो कोर्ट का सम्मान करें। कुछ होते हैं दो चार लोग असामाजिक तत्व प्रकृति के, वो भी विरोध पे उतर आए हैं, वो भी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, मामला संगठन का है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमने सारे वकील का विरोध नहीं किया है, जो मारपीट किए हैं हम उन्हीं का विरोध कर रहे हैं। उसमें गिरफ्तारी तो हुई है? गिरफ्तारी हुई है, ये सही है, गिरफ्तारी हुई है, यह जानते हुए भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको समर्थन कर रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है? ये कहाँ तक उचित है? चलिए मैं आप लोग के पास और आऊँगा। सर जो बात कह रहे हैं कि फील्ड पर जब उतरते हैं तब ज्यादा दिक्कत रहती है, अरे झा साहब कहाँ जा रहे हैं, बैठिए आप जो है, अभी उठिए मत, अभी मैं आऊँगा आपके पास।
ये कह रहे हैं फील्ड पे जाते हैं तो खतरा भी रहता है, मैंने देखा भी है कि कई जगहों पे हमला होते रहता है, छत्तीसगढ़ में भी है ऐसी स्थिति? हाँ अभी ऐसी स्थिति है। सर, 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 है डर किससे ज्यादा है, अवैध उत्खनन करने वालों से? जिसके भी विरुद्ध कार्रवाई करने जाओ जो अवैधानिक कार्य कर रहे हैं, चाहे वो भू माफिया हो, अतिक्रमण कर रहे हों या रेत माफिया हो, वो सबसे ही खतरा रहता है। कोई सुरक्षा इस दौरान नहीं रहती, पुलिस प्रोटेक्शन कुछ नहीं रहता? पुलिस प्रोटेक्शन यदि प्लांट तरीके से कार्रवाई की जाती है तो रहती है। और आप छापा मारे अचानक, तो फिर अचानक छापा मारे तो पुलिस समय से ना पहुंच पाए, या रात को अंधेरे में किस तरफ क्या उत्खनन हो रहा है, किस तरफ हो रहा है, वो सब में और पुलिस वहां अगर पर्याप्त ना हो तो खतरा तो हमेशा बना ही रहता है। खतरा बना रहता है तो बरकरार रहता है। अच्छा, आप वकील हैं कि तहसीलदार हैं? मैं तहसीलदार हूँ। ये लगा काले कोट वाले इधर तो नहीं आ गए। देखिए, बार और बेंच का अजीब सा नाता है और बहुत ही सुंदर नाता है। तो जैसी बार वैसा बेंच, है ना? तो हम बेंच हैं, वो बार हैं। और बार में अभी बहार नहीं है, देखिए, जबकि बसंत का महीना चल रहा है। देखिए, बार में बहार है, है, बट उस बहार के बीच कुछ कांटे लगे हुए हैं। अच्छा, ये कांटे कौन है? ये वही है जो असामाजिक तत्व कहीं से उसमें शामिल हो गए हैं, जो बार बार तहसीलदारों को चुभोने की कोशिश, बस वो उनको चुभोने की कोशिश कर रहे हैं। और पीड़ा हर तहसीलदार सह रहा है, बट चूंकि बार एक खूबसूरत पौधा है, एक खूबसूरत गुलाब है, तो उसकी खुशबू को वो बस ले रहा है और उन कांटों को अवॉइड कर रहा है, जैसे गुलाब में लगे कांटों को हम अवॉइड करते हैं ना। हाँ। और गुलाब की सुंदरता को बस अपने साथ लगा लेते हैं, बस वही है। माना जाता है प्रशासनिक जो सेवा रहता है बड़ा कांटों भरा ताज रहता है, वहाँ सबको झेलना है, सरकार को तो झेलना ही पड़ता है, बाकी सिस्टम में बहुत सारी चीजें रहती है जी, और उन सबके बीच में आप लोग काम करते रहते हैं। सवाल उठ खड़ा हुआ है सुरक्षा को लेकर के, आपको क्या लगता है क्या कैसी सुरक्षा होनी चाहिए एक तहसील ऑफिस में? देखिए, सुरक्षा में मैं दो मानक की बात करूंगा। तहसील भी एक न्यायालय है और आपने देखा होगा सिविल भी एक न्यायालय है, तो राजस्व न्यायालय और एक तरफ सिविल न्यायालय। आपने सिविल न्यायालय में देखा होगा कि उनके न्यायालयीन सुरक्षा के लिए उनके पास अपनी एक फोर्स होती है छोटी सी, जो पुलिस द्वारा प्रदान की गई होती है, बट राजस्व न्यायालय को वो सुरक्षा से हटा दिया गया है जी। और राजस्व न्यायालय का सीधा सामना होता है पब्लिक से, तो हमारी पब्लिक में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो बहुत जल्दी आक्रोशित हो जाते हैं। देखिए, जहाँ मामला होता है न्याय का, वहाँ दो पक्ष होते हैं और किसी एक पक्ष की ओर न्याय तो होना रहता है, तो दूसरा पक्ष डेफिनेटली व्यथित होता है। उसी व्यथा को देखते हुए ही आप देखे होंगे कि सिविल न्यायालय या इस तरह के न्यायालयों में उनको पुलिस सुरक्षा दे दी गई है, क्योंकि मालूम है एक तरफ फैसला आएगा तो दूसरा व्यथित होगा और आक्रोश में आके कोई गतिविधि वो कर सकता है। सेम वही राजस्व न्यायालय में हो जाता है, वहाँ जब दूसरा पक्ष आक्रोशित होता है तो आपा खो बैठता है और कुछ ना कुछ ऐसी गलती या कुछ ऐसी समस्याओं को अंजाम दे देता है जो बाद में विकट बन जाती हैं। तो इस तरह की समस्याओं और इसका सामना जनरली हमारे बाबू करते हैं, क्योंकि वो नीचे डायरेक्ट उनसे सामना होता है, और जब मामला उनसे ऊपर जाता है तो फिर पीठासीन पे आ जाता है। इसलिए सुरक्षा तो बहुत जरूरी हो जाती है, और हमारी तो शासन से मांग भी है कि तहसील में सुरक्षा को लेकर कम से कम प्रारंभिक स्तर पे कुछ करें। आज तक तो हम बिना सुरक्षा के चला ही रहे थे, हम आगे भी चलाएंगे ही, लेकिन वो प्रारंभिक स्तर पे कुछ तो स्टेप उठाए ताकि धीरे धीरे आगे जाके कुछ पुख्ता कदम बन सके। अच्छा सर, ये बताइए कि एक आम धारणा ये रहती है कि भाई तहसील से जो है जाने से बच जाइए, आप तहसील जाएंगे तो चक्कर काटते रहेंगे, और तहसीलदार कह रहे हैं कि अब हमें चक्कर काटना पड़ रहा है न्याय के लिए, ये परिस्थितियाँ क्यों बन रही है? जैसा कि हम लोग तहसीलदार, नायब तहसीलदार के राजस्व न्यायालय में कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के, मतलब जो आय, जाति, निवास, लोगों के जल सीमांकन, बंटवारा, नामांतरण, विभिन्न प्रकरणों पर निराकरण करते हैं, क्योंकि पक्षकार जब स्कूलों की, एक एग्जांपल के लिए, जब स्कूलों का डेज आता है तो अचानक से आय, जाति, निवास प्रमाण पत्रों की बाढ़ सी लग जाती है। हर किसी को सेकेंड डे चाहिए होता है, हर किसी का इंटरव्यू सेकेंड डे है, हर किसी का साक्षात्कार, सभी चीज़ें जो है सेकेंड डे होता है, हर किसी को रहती है कि मेरा जल्द से जल्द बन जाए। कोई किसी से फ़ोन करवाता है, कोई किसी से फ़ोन करवा, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस। जो आवेदन करते हैं वो उसी क्रम में जमते हैं और उसमें जिसका पहले आवेदन आता है उसका बनता है। तो एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में मैं चाहकर भी 10वें नंबर के या 12वें नंबर के या
20वें नंबर को पहले नहीं दे सकता, लेकिन इसी चीज़ का ज्ञान जब बाहर वालों को नहीं होता तो वो हमें भ्रष्ट कह देते हैं। वो कहते हैं कि 20वें नंबर वाले का पहले नहीं बना रहे हैं। और वहीं पर जब कोई वकील आता है, जिस दिन मैंने रात को बैठ कर अगर 60 लोगों का बना दिया तो वही कोई वकील मेरे नाम पर या कोई भी तीसरा व्यक्ति जो हमारे न्यायालय में दलाली के भूमिका में रहते हैं वो क्या कहते हैं कि मैंने कल सर को बोला था इसलिए आज बन गया, इतना रुपया ले आना। तो ये एक प्रक्रिया होती है, हमारी मेहनत क्योंकि हिडन है, हमारी मेहनत नहीं दिखती, इसलिए नहीं दिखती क्योंकि हम जो चीज़ें कर रहे हैं आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन है। शनिवार रविवार को भी राजस्व न्यायालय में तहसीलदार नायब तहसीलदार काम कर रहे हैं, किसी जगह पे भी चक्का जाम हो जाता है, कहीं पे भी कुछ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन रही है वहाँ पर तहसीलदार दिन भर खड़ा होकर उन लॉ एंड ऑर्डर्स को छाटता है, लेकिन लास्ट में भूमिका किसकी होती है, किसी दूसरे को दिया जाता है। कोरोना में वैक्सीन नहीं लग रहा था, सारे जगह पर तहसीलदार नायब तहसीलदारों ने कोरोना का वैक्सीनेशन कराया, लोगों को रह रहे क्वारंटाइन कराया, ऐसी परिस्थितियाँ भी जन्मी जब खाने पीने के लिए भी तहसीलदार ने अपने जेब से पैसे दिए, लेकिन लास्ट में काउंटिंग किस कोई हेल्थ डिपार्टमेंट ने किया, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने किया। तो कुछ हमारे काम क्योंकि हम लोग हमेशा प्रशासनिक भूमिका में रहते हैं ये नहीं दिखता है। तो ये सारी चीजों में पक्षकारों को जब तक हमारे कार्यों को कम नहीं किया जाएगा, जब तक हमारे कार्यों की विविधता को बताया नहीं जाएगा पब्लिक को, तब तक ये चीजें नहीं होने वाली है। मैं इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा, जैसे इन्होंने जाति प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र के बारे में बताया, सैटरडे संडे शासन ने छुट्टी घोषित की हुई है, लेकिन आप देखेंगे सैटरडे संडे को भी एप्लीकेशन आते हैं ऑनलाइन और हम लोग उसको सैटरडे संडे को बैठ के बनाते हैं। इसका मतलब सैटरडे संडे भी न्यायालय काम तो कर ही रहा है, काम का प्रेशर है, प्रेशर है और कर रहा है, मतलब हम तो सैटरडे संडे काम कर ही रहे हैं, बैठ के बना ही रहे हैं एप्लीकेशन। काम के बोझ का असर जो है व्यवहार पे भी पड़ता है क्या? जब बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है तब व्यवहार तो थोड़ा बहुत व्याकुल हो ही जाता है व्यक्ति और व्यवहार में थोड़े डिस्टर्ब आता है, पर अधिकांश पीठासीन आप देखेंगे अपने व्यवहारों पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, तहसीलदार नायब तहसीलदार भी कोई अद्भुत देवदूत से जन्मे लोग नहीं है, ये भी वो व्यक्ति है जिनके घर में परेशानी है, कुछ भी परेशानी है, पब्लिक भी आती है, रिश्ते हैं, वो लोग भी कुछ ना कुछ समस्या बताते हैं, वकील समस्या बताते हैं। ऐसी परिस्थितियों में कोई आता है जो विभिन्न प्रकार के तर्क विवाद करके भी चले जाता है, उसके बाद भी हंसते मुस्कुराते हुए एक दूसरे व्यक्ति को हमें टैकल करना है, तो ये क्रमशः बना रहता है ये सिक्वेंस। हमें अधिकारियों को भी रात को शाम को 6 बजे एक मैसेज आ गया कि परसों 11 बजे बैठक है, दूसरे दिन हमें पूरे बैठा के उस जानकारी को बनवानी, ये सारी परिस्थितियों के बीच में एक डेकोरम मेंटेन करते हुए चलना है। हमें अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने की नौबत तो आनी ही नहीं चाहिए, यही परिस्थितियां ऐसा ना जन्म ले, इसीलिए हमारा ये पूरा संघर्ष है आज का। तो झा साहब भी आ गए हैं, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ का भी समर्थन है, आप लोगों को भी समस्या है? प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ का समर्थन इसलिए है कि केवल तहसीलदार नायब तहसीलदार से मारपीट नहीं हुआ है, हमारे लिपिक साथी से भी हुआ है, चतुर्थ वर्ग कर्मचारी से भी हुआ है, चपरासी से, कुल मिलाकर के हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ में गुंडा राज कहीं बर्दाश्त नहीं होगा। आप गुंडा राज काहे की बात करते हैं, काहे का गुंडा राज भाई, किसी से मारपीट करेंगे, मैं आपसे मारपीट कर, एक घटना हो गई उसके लिए गुंडा राज नहीं, नहीं इसके पहले और हुआ था, रायपुर तहसील में मारपीट हुआ था, सिटी कोतवाली का घेराव करा था। देखिए सवाल इस बात का नहीं है, कुछ गुंडे लोग, सवाल इस बात का नहीं है कि मौत हो गई, मौत सवाल इस बात का है कि मौत हो गई ये नहीं है, मौत ने मेरा घर देख लिया, एक घटना में यदि रोकथाम नहीं हुआ तो दोबारा हुआ तिबारा हुआ और होते रहेंगे। और फिर सरकारी कर्मचारी जो होते हैं, सरकारी कर्मचारी के जिंदगी में बहुत इल्जाम होते हैं, हमारी निगाहें साफ होती है फिर भी हम बदनाम होते हैं, जिसको हमारे आरोप लगाने दे रहे हैं, नहीं हमको हमारे ऊपर जिसको आरोप लगाना है वो यही बोल रहे हैं कि पैसा खाते हैं, घूस खाते हैं, पैसा लेते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। अरे भाई कोई पैसा मांग ले तो उसको तुम गोली मार दोगे क्या? पढ़े लिखे आदमी पैसा मांग रहा है तो उसके शिकायत करो, उसके ऊपर के अधिकारी का करो, इतना बड़ा विजिलेंस खुला हुआ है वहां जाकर के टेप करवाओ, मोबाइल है टेप कर लो, आप अच्छा हो गया मारपीट के रिवॉल्वर रहता तो गोली मार देते। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑन ड्यूटी अपने सेवा के दौरान उसको यदि कोई करता है तो मारपीट भी है और शासकीय सेवा में बाधा भी है, सभी का तत्काल गिरफ्तार होना चाहिए। और रायगढ़ में आज भी आंदोलन जारी है और अभी मुझको पता लगा है कि जिसने मारपीट किया, जिसके खिलाफ FIR है, उसने तहसीलदार को फिर मोबाइल से धमकी दिया है, धमकी दी है, साइबर क्राइम उसका जांच कर रहा है कि वो सही है कि नहीं। कुल मिलाकर के हौसले बुलंद हैं, बढ़ते जा रहे हैं, इस पर यदि कड़ी कार्यवाही नहीं होगी तो आज रायगढ़ में हुआ है, कल सब जगह होगा, आज फिर रायपुर राजधानी के तिलदा आरंग अभनपुर सब जगह काम बंद है, पूरे प्रदेश के तहसीलदार नायब तहसीलदार कनिष्ठ राज्य प्रशासनिक सेवा के
के अधिकारी और राजस्व निरीक्षक पटवारी सब आंदोलन पर है रायगढ़ में लिपिक चौक। क्या किया जाए आंदोलन, फोर्स लगा दे सुरक्षा? देखिए फोर्स मत लगाइए, कलेक्टर को, एसपी को, सीएसपी को, डिप्टी कलेक्टर को, सबको सुरक्षा गार्ड मिलता है, गनमैन रहता है, गार्ड रहता है, लेकिन तहसीलदारों को, नायब तहसीलदारों को या तहसीलदार कार्यालय में न कोई गनमैन रहता, न कोई गार्ड रहता। के खिलाफ सबसे ज्यादा कार्रवाई करने वही जाते हैं, जिसका जमीन जाता है वो जान लेने के लिए तैयार रहता है, जमीन का मामला है और पब्लिक से जुड़े हुए, जिनको जितना ज्यादा पैसा मिल जाता है ना, वो लोग तहसीलदार, नायब तहसीलदार और बाबू के ऊपर अपने इच्छा अनुसार काम करने का दबाव बनाते हैं। ये न्यायालय है, इच्छा से काम नहीं हो सकता, इच्छा से काम नहीं हो सकता। जरा मैं महिला तहसीलदारों से पूछ लूं उनका हाल क्या है। आओ जरा इधर आओ भाई। अरे ये बताइए आप लोगों की सुरक्षा कैसी रहती है? ये सब तो परेशान है, आप लोग को और ज्यादा समस्या रहती है? नहीं नहीं, अलग से ऐसे महिला होने के नाते तो मैं कोई असुरक्षा महसूस नहीं करती हूँ। ये आपको जैसे मैंने और भी लोगों को बताया है, हम आम जीवन में जब कहीं जा रहे आ रहे हैं, मैं 12-12 बजे तक अपना लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी करती हूँ, मैं उस तरीके से असुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ। मैं कार्यालय की बात कर रहा हूँ। देखिए कार्यालय में मैं वही कह रही हूँ, आज एक विक्रांत के साथ ये घटना हुई, खुदा न खास्ता ये घटना अगर किसी महिला के साथ हुई होती आप बताइए कैसा लगता। मैं वही बोल रही हूँ ना, जो काला कोट पहन के हमारे ही बीच के लोग हैं, हम उन पर ट्रस्ट करते हैं, तभी तो हम उनसे बात कर रहे, तभी तो विक्रांत उनको समझाने गया था, उसको लगा पढ़े लिखे लोग हैं, नियम कानून जानते हैं, गलत काम करने से रुक जाएंगे, लेकिन उल्टा उसी पे अटैक कर दिया। तो ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को समझाने में ज्यादा दिक्कत है, उनके साथ ज्यादा असुरक्षित है। आप लोगों के भीतर भी ऐसा रहता है कि दहशत भरी जो है घटना, मतलब जैसे एक घटना मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वहाँ तो पब्लिक प्लेस है, बहुत भीड़ रहती है तहसील में। नहीं, ये चीज मैं ये कहना चाहूंगी, दहशत नहीं हो, जो कह रहे हैं कि सुरक्षा गार्ड होनी चाहिए, दहशत की बात नहीं है। देखिए क्या होता है, जब हम कार्य करते रहते होंगे कहते हैं, तो कुछ इस तरह के जो लोग हैं है ना, न्यूसेंस लोग जो हैं, हर टाइप के होते हैं, चाहे अभी सिर्फ वकील की बात हो रही है, पर कई बार आम जनता भी आते हैं, कोई आता है वो बदतमीजी से बात करता है ना, और कार्य को रोकने और उसमें इफेक्ट डालने की कोशिश करते हैं, अपने काम के लिए प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं, तेज आवाज में बात करके, बदतमीजी करके, तो वो भी जो है वो हम न्यायालय की गरिमा के अनुकूल नहीं है, तो उसके लिए जो है हमें सुरक्षा गार्ड की आवश्यकता है, ताकि काम सुचारू रूप से चल सके और कोई भी अभद्र व्यवहार तहसीलदार, नायब तहसीलदार के साथ ना कर सके, क्योंकि हम पीठासीन अधिकारी हैं और हम अपने मजिस्ट्रेट पीठासीन अधिकारी के रूप में हम वहाँ कार्य करते हैं और मजिस्ट्रेट के पावर का भी हम यूज करते हैं, तो हमारी गरिमा। ऐसे कोई गार्ड, कोई सुरक्षा कर्मी आप लोगों के साथ नहीं? नहीं, हम लोगों को अभी तक ऐसा कोई भी, वो थाना प्रभारी रहता है उसके साथ भी जवान रहते हैं, आप लोगों के साथ नहीं? कोई भी नहीं रहता है, और न्यायालय एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम अपने डेस्क पे बैठते हैं, तो हमारे पास हमेशा दो पक्षकार होते हैं, और अभी जो घटना हुई थी वो किसी आदेश पारित करने के बाद एक हमेशा दोनों पक्षकार को हम संतुष्ट करके नहीं चल सकते हैं, और इसका ही परिणाम था कि जो घटना अभी कारित हुई थी। तो हम न्यायालय के लिए मांग कर रहे हैं, हम अपने एक पर्सनल, हम अपनी सुरक्षा की मांग नहीं कर रहे हैं। न्यायालय में हम अकेले नहीं बैठते, न्यायालय में हमारा पूरा स्टाफ होता है, और जो घटना हुई थी लिपिक साथी के साथ में और जो हमारे प्यून थे वो उनके साथ में हुई थी घटना, तो जो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट होता है वो फील्ड में भी रहता है और अपने ऑफिस में भी बैठ के काम करता है। आम जनों के साथ साथ जो प्रशासनिक सेवा में रहते हैं उनका भी हाल बेहाल रहता है कभी कभी? बिल्कुल बिल्कुल, हम न्यायालय की गरिमा की बात है, हम एक न्यायालय में, मैं तो बहुत सामान्य से कह रहा हूँ, ये माना जाता है कि आम लोग तो त्रस्त है, मैंने कहा अधिकारी कर्मचारी भी, हमारे साथ भी बहुत मौके आते हैं, खास मान लिया हमारे साथ भी बहुतायत में ऐसा देखा जा रहा है आजकल कि अभद्र व्यवहार कर, मतलब करते ही लोग, अगर उनका काम नहीं हो रहा है या किसी तरह से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो काल की तस्वीर में दिखा रहा था कि दरअसल जो है तहसीलदार या कि ये कनिष्ठ कर्मचारी संघ के जो लोग हैं वो कितने परेशान इस वक्त नजर आ रहे हैं, खास तौर पे अपनी सुरक्षा को लेकर के, वकीलों के साथ जो उनका विवाद चल रहा है, तो मैं आपको लिए चलता हूँ वकीलों के पास और जानता हूँ भाई कि हाल क्या है उनका। तो मैं दिखा रहा हूँ काल के जरिए दरअसल तहसीलदार और वकीलों के बीच जो जंग छिड़ गई है इस वक्त, और धरने पर बैठे हुए हैं तहसीलदार तो विरोध में उतर आए हैं वकील भी, प्रदेश भर में वकील भी अब काली पट्टी लगा करके प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ वकील साथी हैं तो जरा उनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। सर ये बताइए कि वो तो कह रहे हैं कि मारपीट कर रहे हैं आप लोग, इसलिए धरना जाया जाए, आप लोग पट्टी क्यों लगा ली? सर देखिए हम लोग जो है ना
अपने क्लाइंट के प्रति जवाबदार रहते हैं। हम लोग को जवाबदारी कैसी कि मारपीट करते हैं? नहीं 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 सर, सुनिए, जैसे कि एक छोटा मोटा काम है उसको हमको ना टाइम देना रहता है कि 10 दिन 20 दिन एक महीना दो महीने में करना है। अब वो क्लाइंट हमारे ऊपर बोलते हैं कि इतने दिन हो गया, जबकि हमको सिर्फ पेशी मिलती है, ना पटवारी कार्यालय में पटवारी बैठे आप मिलेगा आपको, ना तहसील कार्यालय में तहसीलदार मिलेगा आपको, नहीं मिलते हैं। नहीं मिलते हैं, तो उससे क्या होता है, आक्रोश होता है आदमी। छोटे मोटे काम के लिए आपको 20-20 पेशी मिलेगी, क्या करेंगे आप? तो ये आक्रोश का ही नतीजा है। वो कह रहे हैं कि कानून अपने हाथ में ले लेते हैं क्योंकि वो कानून के जानकार हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। नहीं, कानून अपने हाथ में नहीं लिए हैं, बस वाद विवाद हुआ, ऐसा हाथापाई नहीं हुआ है। वकील लोग ऐसा कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। वो तो कह रहे हैं कि मारपीट किए हैं। मारपीट नहीं हुआ है, वो कह रहे हैं हमको जो है जान का खतरा रहता है। जान के क्या, वकील थोड़ी खतरा है, वो तो दलालों से खतरा है, उसको वकील से कोई खतरा नहीं रहता है। हाँ। ये दलाल कौन है? दलाल लोग जो भूमाफिया जो जिसके काम करते हैं, उन्हीं लोग करते हैं। हाँ, आप सर आप पैसा लेते हैं उन्हीं दलाल से करते हैं। बहुत अच्छा, वो कह रहे हैं उन्हीं से हमको जान का खतरा है। वकीलों से कोई खतरा नहीं है, वकील तो हम लोग तो सेवा उनको कहते हैं कि हमको सबसे खतरा है, हमको सुरक्षा कर्मी चाहिए। नहीं नहीं, अब उन लोग अनाप सर आप पैसा लेते हैं तो उसको खतरा है, हमको तो नहीं खतरा है ना। हाँ। हमको तो खतरा नहीं है, है? आपको किससे खतरा होगा? काले कोट वाले तो सब चढ़ते हैं। हम लोग तो सेवा करते हैं ना। हाँ। हम लोग तो सेवा करते हैं। हाँ। अपने क्लाइंट का सेवा करते हैं, देश का सबका सेवा करते हैं, हम लोग को किसी खतरा नहीं है। तो ये विरोध जो है किस बात की, मतलब इसको तो खत्म करना चाहिए। जब आप लोग का उनसे काम पड़ते रहता है, आप लोग क्यों काली पट्टी लगा ले? सर विरोध तो पहले उन्हीं लोग किए हैं, तो ये विरोध का विरोध है? विरोध का विरोध है। हाँ? या जो है गिरफ्तारी हुई उनका विरोध है? उसका भी विरोध कर रहे हैं सर। आप क्या मानते हैं, जो वकीलों की गिरफ्तारी हुई वो जायज नहीं है? देखो ऐसा कोई गुनाह उन्होंने किया नहीं। हाँ। तो गिरफ्तारी तो नाजायज है। हाँ। गिरफ्तारी तो करना नहीं चाहिए था, अगर आप कहते हैं कि गिरफ्तारी हुई है। बाकी वहाँ का जो मैटर है, उस मैटर पर जाएंगे आप तो जिस प्रकार से व्यवहार किया जाता है बाबू द्वारा, ऑफिसरों द्वारा, तहसीलदार द्वारा, तो ये जो है कि एक हमारा जो संबंध रहता है बार और बेंच का संबंध रहता है, जब वहाँ जाते तो भी हमारी बेंच है, तो हमारे जो दायित्व रहता है हम निभाते हैं, उनका दायित्व जो रहता है निभाते नहीं है। अगर हम किसी बात को अगर एराइज करें क्वेश्चन, तो उसका आंसर सही होना चाहिए, जवाब देना चाहिए। अगर आप सही ढंग से जवाब नहीं देते हो तो ये जो वाद विवाद होता है, स्थिति यही उत्पन्न होती है। तो इसलिए सही जो बार और बेंच का जो संबंध है वो यथावत सही ढंग से बना रहे, ऐसा होना चाहिए। तो बना कैसे रहेगा अगर इस तरह से विरोध चलता रहेगा, प्रदर्शन होते रहे और मारपीट की घटनाएं हो? तो देखिए, वकील जो है अपने पक्षकारों की लड़ाई लड़ता है, उसके लिए काम करता है, उसको न्याय दिलाने का काम करता है, इसीलिए वकील को ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहते हैं। तो इसमें जो तहसील कार्यालयों में जो देखने को मिलता है, जिस तरीके से लंबी तिथियां दी जाती है, समय पर न्याय नहीं मिलता, तो वो जो बेचारा जो पक्षकार है वो तो हमारे ऊपर निर्भर है ना। और उसके बाद इस प्रकार की घटनाएं होती है, वकीलों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। भाई आप तो सैलरी ले रहे हैं, हम तो सेवा कर रहे हैं, और सेवा के बाद जो शुल्क मिलता है उससे जो है वकील अपना परिवार को चलाता है, और वकील के साथ आप झूठे प्रकरण बना करके उनकी गिरफ्तारी करेंगे तो विरोध तो होगा ही होगा। भाई कहीं ना कहीं न्यायपालिका का प्रमुख अंग है। इसमें आप कह रहे हैं कि दबावपूर्वक कार्रवाई हुई? निश्चित रूप से वकीलों के साथ गलत हुआ है, वकीलों को झूठा फंसाया गया झूठे मामले में, उसका पूरा प्रदेश में उसका हमारे वकील विरोध कर रहे हैं। हम पक्षकारों की लड़ाई लड़ते हैं, हम किसके लिए लड़ रहे हैं? आम जनता के लिए जो कानून बना है, जिनको किसी को नामांतरण करवाना है, किसी को सीमांकन करवाना है, छोटे छोटे काम है। हमारे सीनियर ने बहुत अच्छा कहा, आप चलिए मेरे साथ देखते हैं कितने पटवारी बैठे होंगे या कितने कार्यालय में बैठे होंगे, आए दिन उनका VIP ड्यूटी है तो साहब का दस्तखत नहीं हुआ है, आदेश बन चुका है, बहुत सारी बातें जो आप खुद भी जान रहे हैं, बिना लेन देन का काम नहीं होता। तो पक्षकार के ऊपर भार पड़ता है, कहीं ना कहीं समय पर न्याय नहीं मिलता है, तो उस बात का यहाँ पर विरोध हो रहा है। कहीं ना कहीं दोनों महत्वपूर्ण है, वो भी कहीं ना कहीं अंग है, शासन ने उनको बैठाया है, तो उनको समय पर अपने जो जिम्मेदारी है, जो दायित्व है, उसको पूरा करना चाहिए। काला मास्क जो है लगाते रहते हैं, लेकिन अभी लगा रहे हैं काला मास्क, ये विरोध के लिए? नहीं नहीं, अच्छा, मैंने कहा विरोध के लिए तो नहीं है जो है। तो कुल मिलाकर ये है कि फिलहाल ये मसला चलते रहेगा या इसका कुछ हल है? नहीं, ऐसा विवाद की स्थिति नहीं है, मसला भी बहुत बड़ी ये नहीं है,
है ना, बहुत छोटी सी है, इसमें अपना उन लोग अपना वर्चस्व। आप लोगों की क्या मांग है, क्या मांग है आप लोगों की? सर काम में अगर समय में काम होगा तो ऐसे स्थिति आएगी नहीं। हर चीज डिजिटल हो चुका है, लेकिन कितने पटवारियों ने अपने हल्का को डिजिटलाइज किया है ये आप पूछिए। कुछ भी काम क्या किया जाए, हम ये मांग करते हैं वकीलों के खिलाफ जो मामला जो बना है वो वापस लिया जाए, निशर्त वापस किया जाए, नहीं तो विरोध चलते रहेगा। निश्चित रूप से विरोध होगा, विरोध रहेगा, विरोध रहेगा, बिल्कुल रहेगा। चलिए, तो विरोध जायज है ये कह रहे हैं, कार्यालय के जरिए मैं दिखा भी रहा था, एक तरफ जो है प्रशासनिक कनिष्ठ कर्मचारी अधिकारी संघ के लोग जो है धरने पे हैं, दूसरी तरफ जो है काले कोट वाले काला बैच लगा के काले पट्टी लगा के जो है आंदोलनरत हो चले हैं। अब दोनों के बीच जंग में फिलहाल आम जनता का क्या हाल हो सकता है ये आप समझ ही रहे होंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में जो है प्रशासन और सिस्टम का हाल क्या है ये भी आप समझने की कोशिश करिए। आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।